बाहुलोक सेकेंड सीजन जिस क्रिटिकल पॉइंट पर एंड हुआ है ढेर सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गया। हालांकि सीजन 2 की एंडिंग बिल्कुल चरम सुख देकर गई है, लेकिन बाबा मन में उठ रहे सवालों को आखिर कैसे संभाले, तो आज बात करते हैं सीजन 2 की एंडिंग यानी फाइनल एपिसोड की फाइनल एंडिंग को एक्सप्लेन करके, जिसमें यह भी अनवील हो जाएगा कि थर्ड सीजन में आखिर हमें मिल क्या कह सकता है, क्योंकि एक नहीं बहुत से क्लू छोड़ कर गया है ये वाला सीजन। तो शुरुआत करते हैं बाबा बिना किसी फालतू बकैते के, लेकिन बाबा लाइक से हाजिरी जरूर भरें अपनी, क्योंकि आफ्टरऑल यही एक इंस्पिरेशन होती है हमारे पास। शुरुआत करते हैं बाबा, 8th एपिसोड बिल्कुल जादुई पिटारा था, जो एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए जा रहा था लगातार। बैलरॉक खाजा दूम में जाग चुका है, जो काफी लंबे समय से सो रहा था, क्योंकि किंग ड्यूरिन के पिछवाड़े में बहुत आग लग रही थी और आग से धधकता हुआ काल खाजा दूम को बर्बाद करने के लिए जाग चुका है, जिसका नाम होगा ड्यूरिन्स बेन। और खाजा दूम में यही बैलरॉक जिम्मेदार होगा यहाँ के ड्वार्फ्स को खाजा दूम छोड़ने के लिए। देखते हैं थर्ड सीजन में प्रिंस ड्यूरिन कैसे निपटता है इन सारी नई बलाओं से, क्योंकि इसी के साथ साथ उसे एक और अनवांटेड प्रॉब्लम से भी डील करनी पड़ेगी। उसके अनदर ड्वार्फ्स जो किंग ड्यूरिन के मरने के बाद सिंहासन पर कब्जा चाहते हैं क्लेम कर रहे हैं, और खाजा दूम में एपिसोड की एंडिंग रिंग्स की तरफ देखते हुए होती है प्रिंस ड्यूरिन और उसके साथी के। तो क्या यहां भी मजबूरी में प्रिंस ड्यूरिन को रिंग पहननी पड़ेगी, देखते हैं बाबा सीजन 3 में। उसके बाद नॉरी और पॉपी हार्फूर्स के साथ नए सफर को निकल गए हैं, जहां उन्होंने अपने स्टार भाई का साथ छोड़ दिया है, जहां अपने स्टार को गैंडाल्फ के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया है मेकर्स ने। खैर बात अगर बुक की माने तो गैंडाल्फ का ओरिजिन थर्ड एज में होता है, जिसका काम सौरोन की द वन रिंग को डिस्ट्रॉय करने का होगा, यानी फ्रोडो के साथ मिलकर, मतलब उन्हें गाइड करने का इसी के आसपास। खैर देखते हैं बाबा मेकर्स ने गैंडाल्फ के साथ और क्या एक्सपेरिमेंट सोचा है सेकंड एज में यानी थर्ड सीजन में, और हो सकता है ये और ज्यादा पावरफुल पावर गेन करें, क्योंकि इसे अपनी छड़ी तो मिल चुकी है और सामने डार्क विजर्ड भी है, तो शायद इसका काम उस डार्क विजर्ड को सौरोन से मिलने के लिए रोकने का हो सकता है। और एक बार गैंडाल्फ की फुल पावर उसे मिल जाती है तो इन दोनों का पंगा भी सॉलिड होगा, और शायद थर्ड सीजन में डार्क विजर्ड का सरुमान बनने तक की जर्नी भी दिखा सकते हैं हमें मेकर्स, जो थर्ड एज में जाकर सौरोन को हेल्प करेगा। तो देखते हैं, ये बार्ड भी औसम होने वाला है इसका। उसके बाद आते हैं बाबा न्यूमिनोर और इसिल्ड्यूर पर। इसिल्ड्यूर ये कैरेक्टर बड़ा फुद्दू लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन बाबा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका आगे जाकर। खैर न्यूमिनोर में मिरिल के खिलाफ तख्ता पलट तो हो चुका है, जिसे फेराजोन ने अंजाम दे दिया है, और यही गलती न्यूमिनोर को और भी ज्यादा कमजोर करते जा रही है, जो सेकंड एज में सौरोन के लिए इजी हो जाएगा न्यूमिनोर को इन्वेट करने के लिए। खैर देखते हैं इस पार्ट के लिए भी मेकर्स क्या सोच के बैठे हैं, क्योंकि मिरिल ने जैसे तैसे एलेंडिल को वहां से भगा तो दिया है, जो हो ना हो गैलाड्रियल या फिर गिलगैलिड से आकर मिलने वाला है। खैर इसिल्ड्यूर बाबा न्यूमिनोर को निकल चुका है, अब ये बंदा वहां जाकर बंदी बन जाएगा या बीच रास्ते में ही भागने में सफल होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन स्पॉइलर दूं, यही बंदा होता है जो सेकंड एज में सौरोन की वो उंगली काटेगा जिसमें द वन रिंग पहन के सौरोन बाकी रिंग बियरर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, और यहीं से सेकंड एज में सौरोन बुरी तरीके से हार कर गायब हो जाता है, जो उसकी रिंग लगभग 2000 साल तक गायब रहती है, और जो हमने हॉबिट मूवी में अपने बिल्बो बैगिंस को मिलती है उस गंदे दिखने वाले गॉबलिन से, उसका नाम क्या होगा भाई मेरे को याद नहीं आ रहा है, तुम में से किसी को पता हो तो नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। तो बाबा इसिल्ड्यूर ये फुद्दू बच्चा जैसा दिखने वाला कैरेक्टर आगे जाकर बहुत सॉलिड होने वाला है। बात करें इस स्टोरी के मेन पार्ट यानी बैकबोन पार्ट की एल्फ्स और सौरोन के बारे में, तो बाबा यहाँ भी बड़े क्रिटिकल पॉइंट पर मेकर ने बेरहमी से छोड़कर हमें तड़पा दिया है, क्योंकि अडार को मारकर ऑक्स को अपने काबू में करके सौरोन फिर से काफी पावरफुल हो चुका है, और अब तो उसके पास 9 रिंग्स भी आ चुकी है जो 9 मॉर्टल मैन्स को बांटेगा, और यही इसके सबसे इफेक्टफुल लेफ्टिनेंट होते हैं। खैर एक चीज मैं आपको बता दूं, 3 एल्वन रिंग्स को मिलाकर पूरे 19 रिंग्स होती हैं, जिसमें सौरोन का साफ साफ हाथ सिर्फ 7 ड्वार्वन रिंग और 9 मॉर्टल मैन रिंग्स में होता है। बाकी 3 एल्वन रिंग्स में बुक की बात माने तो सौरोन का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 की बात करें, जब सौरोन एज हेलब्रैंड गैलाड्रियल के साथ एरेगियन आता है, तब 3 एल्वन रिंग्स के टाइम वो मौजूद था, जब कैलिब्रिम्बोर 3 एल्वन रिंग को बना रहा था, उन्हें फोर्ज कर रहा था, और कैलिब्रिम्बोर के साथ अच्छा खासा घुल मिल गया था। तो बाबा इसमें क्या सही है क्या नहीं वो तुम तय कर लेना, मैं बुक की ही बात मान के चल रहा हूँ। खैर एरेगियन को तबाह करके कैलिब्रिम्बोर को बुरी तरीके से मारकर सौरोन आगे बढ़ चुका है, कहां एरियाडोर को क्रॉस करने वाला है, जो गिलगैलिड ही बता रहा है। खैर एरियाडोर में आपको बता दूं मिडिल अर्थ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां बहुत से फ्री पीपल भी रहते हैं, और बाकी के एल्व्स लाइक सिल्वन एल्व्स जिन्हें हम सिंडारिन एल्फ भी बोलते हैं वो भी रहते हैं, ग्रीन एल्व्स भी रहते हैं, बाकी बच्चे कुछ नॉल्डेरियन एल्व्स भी रहते हैं, तो सौरोन एक लाइन से अब इनकी धज्जियां उड़ाने वाला है। बाकी गिलगैलिड ने यह बात तो कही है कि वो एरियाडोर क्रॉस हो चुका होगा,
तो हो सकता है मेकर्स पहले सौरन को मॉर्डोर भेजने वाले हैं। शायद कुछ अलग प्लानिंग हो मेकर्स की यहाँ पर, क्योंकि मेकर्स ने बहुत छेड़छाड़ भी करी है टॉल्किन की इस बुक के साथ। तो मॉर्डोर का मेंशन जेडी पेन और पैट्रिक मैके ने एक इंटरव्यू में भी किया था। और मॉर्डोर इसलिए जाएगा, पहले तो वो अपनी द वन रिंग को बनाएगा जिससे वो सारे रिंग बियरर को कंट्रोल करेगा, और मॉर्डोर में बारादुर का किला भी बनाएगा जो कि मिडिल अर्थ का हाई पीक है और तीनों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, जिसकी जियोग्राफिक लोकेशन आगे आने वाली वॉर में, जो हम थर्ड एज में फाइनल वॉर भी देखते हैं, सौरन को बहुत हेल्प करेगी क्योंकि एक ही तरफ से इसका रास्ता खुला हुआ है। दैट्स वाई कि मॉर्डोर इसके लिए बेस्ट प्लेस है। बाकी इसी बीच वो न्यूमेनोर में भी हमला करेगा, लेकिन न्यूमेनोरियंस इसे खदेड़ देते हैं क्योंकि एरियाडोर में काफी प्लेस को कॉन्कर करने के बाद सौरन काफी पावरफुल हो जाता है, लेकिन ये थक भी जाएगा वहां जाते जाते। पूरे एरियाडोर में सिर्फ लिंडन और इमलाद्रिस, जिसे रिवेंडेल भी कहते हैं, बस इन्हीं को कॉन्कर नहीं कर पाएगा ना सौरन भाई, क्योंकि यहां तक आते आते एरियाडोर के काफी एल्फ, एरियाडोर क्षेत्र के काफी एल्फ एक साथ आ चुके थे। तो बाबा ये काफी आगे पहुंच गए, जो हमें शायद सीजन 4 में देखने को मिलेगी। ये बैटल, ये लास्ट की बैटल्स हैं तो इन पे अभी बात नहीं करते। खैर, सीजन 3 में मेकर्स हार्डली इफेक्ट ऑफ रिंग ही प्रेजेंट करने वाले हैं, जहां सौरन कैसे ड्वावन ड्वार्फ्स और मॉर्टल मैंस को कंट्रोल करेगा अपनी द वन रिंग से, उन्हें कैसे करप्ट करेगा, उन्हें जैसे हमने किंग ड्यूरिन को तड़पता हुआ देखा था, वैसे ही इफेक्ट हम औरों के साथ भी देखने वाले हैं। शायद उसी पे ज्यादा फोकस करा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सौरन अपनी द वन रिंग को बनाने के लिए अभी अपनी पूरी आधी ताकत खर्च कर देता है। बाकी सीजन 3 में बहुत सी बैटल सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगी, जो एरियाडोर में ही और भी एलवन ठिकाने हैं उन पे वो अटैक करेगा कौन सौरन, फिर उन्हें तबाह भी करेगा लाइक ए रेगियन। तब जाकर बचे कुचे एल्फ्स एक साथ होंगे और सेकंड एज की फाइनल वॉर हमें देखने को मिलेगी, जो आगे फोर्थ या फिफ्थ सीजन में देखने को मिलेगी। खैर, मेकर्स न्यूमिनोर बैटल भी दिखा सकते हैं। तो बाबा सीजन 3 के पास बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। और उम्मीद करते हैं बाबा की 2026 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल जाए सीजन 3। तो बाबा ये थी वीडियो एंडिंग एक्सप्लेन की, बाकी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स से और भी बातें होती रहेंगी। मैं अगली वीडियो गलाड्रियल या फिर गिलगैलेड, एलरॉन्ड किसी एक पे बनाने की सोच रहा हूँ। आपको किस पे पहले देखनी है या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से रिलेटेड और भी कुछ है ऐसा क्ल्यू, तो भाई जरूर बताना, उस पर एक डिटेल वीडियो रिसर्च करके बना दी जाएगी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देके प्यार जरूर बरसाओ। बाबा मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।